स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावल फैमिली ब्लॉग में। और टाइम अभी ना तक कितना हो रहा है, 7:15 हो रहा है। रावल जी भी आ गए हैं जल्दी, तो आज चलते हैं मार्केट की ओर। तो थोड़ा पहले अपना सामान रख देंगे ऊपर। आरवानी की लड़ाई हो गई। ओए मोटो, नीचे उतर, नीचे उतर। पानी है? नहीं। पानी नहीं है, पानी ऊपर। हाँ, पता है इस मोटो ने सब कुछ पी लिया होगा बेटा, उसके लिए थोड़ा सा रखा था आपने, पूरा पानी तो आपने फिनिश किया था। तो चलते हैं अभी ऊपर और उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए। देखते हैं आज हम मार्केट में क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो हमने केवल अभी पूजा की है और आटा मैंने पहले लगा के गई थी और सब्जी भी, तो आके बनाऊंगी खाना। पहले हमने लेना है माइक, तो देखते हैं कि क्रोमा में हमें माइक मिलता है कि नहीं। और एक सामान का हमने वैसे ही पता करने जा रहे हैं उसका, तो वो किसी ने बोला है मुझे, तो फिलहाल मैं उसका पता करके आती हूँ। अभी क्या सामान है मैं वो बताऊँगी नहीं, तो निकलते हैं कि क्या लेके आते हैं क्या नहीं, माइक मिलता है अभी कि नहीं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं मार्केट में और घुमा के भी लाते हैं। निकलते हैं मार्केट के लिए, चलो। मैंने जा रही है हमारे साथ, आरा बोला मैं नहीं जा रहा हूँ। और रावत जी ने हेलमेट नहीं पहना है, देखें बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना क्या है। देखो हेलमेट नहीं पहना है। नहीं बेबा, गाड़ी में जो भी बैठे हुआ है। मेला आएंगे हम दूसरे दिन, संडे को आएंगे हम, संडे को मेले। हाँ, पापा जल्दी आते तब भी नहीं निकल जाती। अरे पापा, संडे को हम इवनिंग में खेलने नहीं जाएंगे ना, इसलिए सीधा उस रोड पे बोला मैंने। हाँ बोला, वहाँ से नहीं आए थे हम, नीचे से आए थे। खाना नहीं। अच्छा यही तो नहीं होगा कहीं, ये क्या नाम है, दाल बड़ी। दाल बड़ी नहीं, नहीं इसको यार कुछ पता, ताड़ फल हो सकता है, आजकल ही आते हैं बोला ताड़ फल। वो तो वही अंदर ऐसी तो वही उसके हाथ से चूसरा, वही नाक में डाला, वही आज नाक में डाली हुई थी। बस अड्डा जाती है रोड। हाँ तो रावत जी को रास्ता पता नहीं है। हाँ मुझे पता नहीं। और इसी रही है रोड ना, आगे उसमें निकलती है आगे उस चौराहे। कौन सा चौराहे है? कौन सा चौराहे है? वो जहाँ पे वो है क्या, जहाँ पे आरा बांधने का प्रोग्राम हुआ है। वो काम नहीं होता है, वो ये यहाँ नहीं जाती है, उधर जाती है उस रोड पे दूसरी साइड में प्रोग्राम। ठीक है, ये बस अड्डा है, ठीक है यहाँ पे जाएगी तो ये बस अड्डा इसके इसके पीछे। और यही तो है वो चौराहा। ठीक है, ये कहाँ चौराहा है? वो टाउन होल्ड है। वो टाउन होल्ड है, टाउन होल्ड वाला चौराहा है क्या? टाउन होल्ड है क्या कुछ भी मतलब? हाँ वो वाला रास्ता, मुझे रास्ता ज़्यादा पास में लगता है। अरे लगता मुझे पता ही नहीं। आगे आगे जाओ और आगे से फिर उधर में जाओगे ना तो टाउन हॉल आएगा। इतने हम टाउन हॉल पहुंच गए होते, कहीं ना पहुंच गए होते। देखो मेरे साथ में ना लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी
लगी। क्या है खपचा नहीं बोल रही है पापा हम कोमा में आए हैं। अनु कोमा नहीं क्रोमा 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 घर जाते जाते भूल जाएगी तो भूलेगी कोमा। जाम लगा हुआ आन्या हम कहाँ गए थे अभी इधर आने देखने जा रही है क्रोमा। हाँ अब क्रोमा अब आने से ही बोल रही है क्रोमा नहीं तो उसका ये था कि हम कोमा में गए थे। कोमा में हमें कोमा में हमें सामान नहीं मिला तो देखते क्रोमा। हाँ अब आने ने सही बोल दिया क्रोमा और आने चुपके से ये देखने आई थी कि कहीं उसका भाई देख क्या रहा है टीवी देख रहा है कि मोबाइल देख रहा है मोबाइल में क्या देख रहा है टीवी में क्या देख रहा है बड़ी तेज़ है ये। तो चलो दोस्तों हम हाथ मुँह धो के बढ़ते हैं किचन की ओर करते हैं अपने डिनर की तैयारी है ना। आनू इसको चार्जिंग पे रखते बेटा मैं कैसे रखूं मैं तो हाथ गीले। उसको खाना पीना हो गया है लास्ट में बच्चे खा रहे हैं और आने आपने दूध पी लिया आने ने दूध पी लिया अभी आरव ने दूध नहीं पिया है और साथ में देख रहे हैं यहाँ पे ये मैच। खाना खा के हाथ भी धो लो। 49 रन मारे ये मैच देख रहे हैं देखो बोला हम मैच देख रहे हैं ये खा भी ले जल्दी ही नहीं मैं भी धो देती हूँ बर्तन उसके बाद आरब की थेरेपी के लिए करना है पानी गर्म आजकल तो पानी सारे पानी गर्म ही आ रहे हैं पता ही नहीं चला कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। गर्म पानी चाहिए नर्सिंग था डायरेक्ट पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है। जी हाँ ये ग्रैंड फिनाले है राइवलरी वीक का और गुजरात टाइटंस को चाहिए तो रोहित शर्मा ने फाइनली अपनी पुरानी लय के थोड़े फिर से दर्शन दिए फिर आया ब्रेक ब्रेक के बाद पहली गोल राशिद खान ने निकाली विकेट सेवन तक एक ही हो 27 डिवाइड बाई काट दी है ये फिर आ जाएगा 27 ऐसे करके 27 तक ऐसे टीवी वगैरह तो बंद कर दी है और अंदर आ गए रूम में और डिवाइड बाई 9 आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना मिलती हूँ मैं कल आपको नए ब्लॉग में तब तक के लिए।